Good morning to all of you. Today we have discussed different parameter of PSK. First of all, we have discussed transmission bandwidth of PSK. After that, we have discussed energy per bit of PSK. And last, we have discussed constellation diagram of, or we can say that signaling diagram of PSK. In this manner, we just discuss first topic, transmission bandwidth of PSK. In this topic, we have just seen first transmission of 1. As we know that, for PSK, we have used NRZ line coding for MT. For 1, it is positive square wave, and for negative, it is negative square wave. Whenever, जब भी हम time domain को frequency domain में convert करेंगे, that means जो हमारा 1 का TV का जो duration है, जब हम इस square wave को convert करेंगे हम frequency domain में by using of Fourier transform, तो हमारा signal कुछ इस type का दिखेगा. इस signal का जो upper limit होगी वो 1 by TV होगी and lower limit minus 1 by TV. इसी रिस्पेक्ट में जो हमारा S1T, that means 1 के केस में जो हमारा PSK का आउटपुट है, उसको अगर हम उसमें फ्रीक्वेंसी और वी कैन से दैट फूरियर एनालिसिस करें, तो वो हमारा इस टाइप से शो होगा S1T. इसमें हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि S1T का जो अपर लिमिट है FC plus 1 by TB एंड लोअर लिमिट इज FC minus 1 by TB. इसी तरीके से अगर हम 0 के लिए एनालिसिस करें, तो 0 केस में सेम S2T आपका जो इसकी बैंडविड्थ होगी वो सेम होगी, दैट मींस FC अपर लिमिट FC plus 1 by TB एंड लोअर लिमिट FC minus TB. ओनली इसमें चेंज ये होगा कि यहां पे 0 के लिए एनर्जेट के कारण जो आपका फेज शिफ्ट होगा वो 180 डिग्री का होगा, दैट मींस नेगेटिव वेव फॉर्म हमको मिलेगी इस टाइम पे. तो अगर हम यहां से देखें तो ओवरऑल जो हमारा बैंडविड्थ होता है PSK का, दिस इज FC 1 plus TB minus of FC minus 1 by TB. अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा आपका बैंडविड्थ ऑफ PSK 2 by TB, या हम 1 by TB को RB भी बोलते हैं, दैट मींस द बैंडविड्थ ऑफ PSK इज 2 RB. गाइस, मैंने टाइम आपके कंपटीशन एग्जाम में सिंपली इस फार्मूला बेस पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमको यहां से याद रखना है कि बैंडविड्थ ऑफ PSK इज 2 RB. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी पर बिट. एनर्जी पर बिट हमने AS के केस में देखा था कि हम एनर्जी को एक प्रॉपर फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, जहां पे हमारा EB इक्वल टू होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू TB, दैट मींस जितना आपका बिट ड्यूरेशन है, S1 स्क्वायर T, दैट मींस जो आपका सिग्नल है उसका स्क्वायर DT. अगर हम इस फार्मूले में S1 स्क्वायर S1T का वैल्यू पुट करें, तो हमारा जो EB का वे फॉर्म EB का इक्वेशन हो जाएगा, EB इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू TB AC cos 2 by FC T स्क्वायर DT. अब अगर हम इस पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करें और उसके बाद हम उसे ओपन कर दें, तो हमारा जो अब सिग्नल बच जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 टू TB AC स्क्वायर 2 by DT प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू TB AC स्क्वायर cos 4 pi FC T by 2 DT. इसमें से जो हमारा ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का जो अगर हम इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और फर्स्ट वन दैट मींस जो हमारा यहां पे EB होगा ओवरऑल, EB इक्वल्स टू आ जाएगा आपका AC स्क्वायर TB by 2, दैट मींस दिस. इसी तरीके से अगर हम जीरो के लिए अपना एनर्जी पर बिट निकाले, तो सेम हमारा
फॉर्मूला यूज होगा, अगर हम इस फॉर्मूले में एस टू टी की वैल्यू रखें, दैट मीन्स माइनस ऑफ ए सी स्क्वायर टू पाई एफ सी को हम अगर यहाँ पे पुट करें, उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा ई बी यहाँ पे भी हमको सेम मिलेगा, ई बी इक्व टू ए सी स्क्वायर टी बी बाई टू। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में पी एस के का कंपेरिजन करें ए एस के से, तो पी एस के में ओनली एक ड्रॉबैक है कि जीरो के केस में यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन एनर्जी यूज होती है, जबकि ए एस के में जीरो के केस में कोई भी ट्रांसमिशन एनर्जी यूज नहीं होती। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ पी एस के। फॉर दिस वी हैव मॉडिफाई अवर एस वन टी एंड एस टू टी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस वन टी जो हमारा ए सी कॉस टू बाई एफ सी टी होता है, दैट मीन्स हम यहाँ पे ए सी को मॉडिफाई करेंगे अंडर रूट टी बी सॉरी अंडर रूट टू ई बी बाई टी बी के फॉर्म में। तो हमारा ए सी कॉस टू बाई एफ सी हो जाएगा अंडर रूट टू ई बी टी बी कॉस टू बाई एफ सी टी, या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ई बी इंटू अंडर रूट टू बाई टी बी कॉस टू बाई एफ सी टी। तो गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये वाला फैक्टर है, इसको हम बोलते हैं फेस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा एस वन टी एंड एस टू टी है वो सेम फेस का सिग्नल है। ओनली डिफरेंस इतना है हमारा कि एस वन टी हमारा जो सिग्नल पॉइंट है वो ई बी पे है, और एस टू टी का जो सिग्नल पॉइंट है वो माइनस रूट ई बी में है। अगर हम इसको डायग्राम में शो करें तो हमारा जो सिग्नलिंग डायग्राम ऑफ पी एस के सीन होगा वो आपका इस टाइप से हो सकता है। यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सिस हॉरिजेंटल पॉजिटिव साइड में जो एक्सिस होती है वो फाई वन, या हम इसे कह सकते हैं कि रूट टू बाई टी बी कॉस टू बाई एफ सी को शो करता है, और जो इसका नेगेटिव साइड है वो माइनस ऑफ टू रूट टू बाई टी बी कॉस टू बाई एफ सी टी को शो करता है। अब अगर हम इसे सिग्नलिंग पॉइंट दिखाएं तो हमारा एस वन टी हमारा शो होगा ओरिजिन से रूट ई बी डिस्टेंस पे, और एस टू टी होगा हमारा माइनस रूट ई बी डिस्टेंस पे। तो अगर हम इस सिग्नलिंग डायग्राम से एनालिसिस करें तो हमारा यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एस वन टी इज अंडर रूट ऑफ ई बी स्क्वायर, दैट मीन्स ई बी, एनर्जी ऑफ एस टू ऑल्सो ए ई बी। अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सिग्नलिंग पॉइंट दैट मीन्स एस वन एंड एस टू टी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो ये आपका मैथमेटिकली डी वन टू आ जाएगा आपका टू रूट ई बी। गाइस, यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस बिटवीन सिग्नलिंग पॉइंट है इसकी इंपॉर्टेंस होती है पी एस के या कोई भी आपका बाइनरी सिग्नलिंग फॉर्मेट है उसमें उसका एरर रेट निकालने में, या हम ये बता सकते हैं कि किसमें या किस फॉर्मेट में हमारा एरर कम होगा, वो हमारा फाइंड आउट हो सकता है सिग्नलिंग डिस्टेंस बिटवीन सिग्नलिंग पॉइंट, जिसे हम अलग से डिस्कस करेंगे अपने फर्दर वीडियो में। थैंक यू गाइस।